देश की कई एयरलाइन कंपनियां अपने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए सुर्खियों में रखती हैं। ऐसा ही नया मामला जलंधर के रहने वाले दिव्यांग वकील विवेक जोशी के साथ सामने आया। विवेक जोशी, जो कि एक दिव्यांग है, वो अपनी उपलब्धियों के चलते देश के 3 माननीय राष्ट्रपतियों से सम्मान ले चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी माँ को भी देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित कर चुके हैं। अपने पिता के साथ कल शाम मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब वो मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां उन्हें एयर इंडिया के स्टाफ ने करीब 1.5 घंटा बिना वजह परेशान किया। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। सर, मेरा नाम विवेक जोशी है। थे मैं सर्वे पॉलिटिकल इंटरनेशनल एडेप्ट फाउंडेशन वालों अवार्ड सेरेमनी से गया सीगा। तो जदों मैं मुंबई तो दिल्ली आ रहा सी एयर इंडिया फ्लाइट से, मैं बड़ा हरास किया गया ये दसन के बावजूद भी कि मैं नशा ऑडी हाँ, तो मेरी मदर भी नशा ऑडी है। उन्होंने कंटीन्यूसली मैं हरास किया, मैं बहुत परेशान किया। तो मैं मतलब इस दिव्यांग होने के बावजूद मैं मेरे फादर साहब 71 है, सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने भी हरास करना पाया सानू। उन्होंने बहुत मतलब इन्ना मतलब मैं यूजली मैं बाई एयर ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैं ट्रेन च बह नहीं सकता, तो मैं जगह जगह पर जाना पैंता है बिकॉज मेरी क्वालिफिकेशन है बी ए एल एल बी एल एल एम एम बी एम एस डब्ल्यू एंड नाउ आई एम परसूइंग माई पी एच डी इन डिसबिलिटी मैनेजमेंट। इन्ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं जब इन्ना स्ट्रगल करना पैंता है। आई एम एन एडवोकेट, सो मैं दूजिया वास्ते भी लड़ाई करनी पैंती है, पर अपने हकों वास्ते दिव्यांग होने के बावजूद सानू इस तरह हरास किया गया। मैं ये आवाज़ अपनी तुहाडे चैनल राही मिनिस्ट्री तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दिव्यांग या तो बंदियां नू राइट ना दो, या जे राइट देने हो तो उन्होंने थोड़ा प्रिविलेज दो कि हाँ दिव्यांग बंदियां नू थोड़ा प्रिविलेज होना चाहिए। उन्होंने मैं एयर इंडिया ने बहुत मैं हरास किया। असी कल अज सवेरे ही इतों दिल्लियों मैं टैक्सी करके आया, तो नाल मेरे फादर साहब से, तो मतलब बहुत परेशान होकर असं आए हैं, तो मैं ये उपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता। कल असी A310 एयर इंडिया फ्लाइट तो फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली आना सी। विवेक जोशी मेरे नाल सी, वो व्हीलचेयर पर सी, तो रश बहुत सी। तो मैं एयर इंडिया के स्टाफ नूं कहा कि सानू लाइन तो अलग एंटरटेन किया जाए। वो कहिंदे साडे कोल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सीनियर सिटीजन नूं या डिसेबल्ड नूं अलग तो तुसीं लाइन च आओ। जब बहुत बहस की मैं दस्या उन्हां नूं कि बेटे नूं नैशनल अवार्ड मिलिया होया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो, और इन्हां दे करके इन्हां दी मदर नूं भी नैशनल अवार्ड मिलिया, तो इवन दैन कोई खास फर्क नहीं पिया। जिस वेले मैं सीनियर अफसर नूं मिलिया तो उन्होंने मैनूं अटेंड करन नूं तैयार हो गया, लेकिन उस तो बाद भी कभी मैनूं इधर लै गए कभी उधर लै गए। तकरीबन 1 घंटे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटे के करीब करीब ये मैनू घुमाते रहे। तो जिस और हमेशा अज तक जिन्नी फ्लाइट मैं गया हमेशा इन्हों व्हीलचेयर वाले बंदे सब तो पहला फ्लाइट पर बिठाया जाता, लेकिन कल सब तो अखीर दे विच सानू बिठाया गया। उस करके सानू बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जो जिंदगी दे विच इन्ने साल हो गए क्योंकि कभी ट्रेन च तो ये सफ़र कर ही नहीं सक रहे ना बेटा मेरा, तो पहली बार कल एक्सपीरियंस किया कि एयर इंडिया की फ्लाइट के इन्नी ज़्यादा तकलीफ सानू हुई, जो अपनी जिंदगी का साडा पहला बैड एक्सपीरियंस।